दोस्तों, आपने बहुत बार अपने घर में बड़े बुजुर्गों को ये अंदाजा लगाते देखा होगा, किसी प्रेग्नेंट लेडी को, और उसका फेस देखकर ये अंदाजा लगाते देखा होगा कि उसके पेट में जो पड़ रहा है वो लड़का है या लड़की है। या फिर जो घर की बड़ी बुजुर्ग लेडीज होती हैं वो महिला को पीछे से देखकर पहचान जाती हैं कि इनके पेट में लड़का है या फिर लड़की है या फिर ये प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो आखिर फेस में ऐसा क्या देखते हैं जिनसे कि वो अंदाजा लगा लेते हैं कि इनके जो होने वाला है वो लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाला है। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, आपने बहुत सी महिलाओं को ये बात करते सुना होगा कि वो गर्भवती महिलाओं का चेहरा देखकर ये बता देती हैं कि इनके गर्भ में जो है लड़का है या फिर लड़की है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम यही टॉपिक शेयर करने वाले हैं कि आखिर कैसे चेहरा देखकर जो पुराने हमारे बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं थी वो कैसे पता लगा लेती थी कि सामने जो प्रेग्नेंट लेडी है उनके गर्भ में लड़का है या लड़की है, और उनका ये अनुमान 90% तक कभी कभी सच भी हो जाता है। तो आखिर वो ऐसा चेहरे में क्या देखती थी, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो हैं सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अगर गर्भवती महिलाओं का चेहरा शुरुआत से ही काफ़ी खिला खिला नज़र आता है, चमकदार है और चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा तेज आ गया है और चेहरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो गया है पहले से भी, तो ऐसे लक्षण दिखे तो आपको समझ जाना चाहिए कि उनके घर में एक प्यारी सी बेटी पल रही है। जी हाँ दोस्तों, ये जो सारे लक्षण होते हैं ये घर में बेटी के लक्षण होते हैं। इसके विपरीत अगर आप लड़के के लक्षण देखेंगे तो उसमें जो महिला का चेहरा है वो शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा मुरझाया हुआ और देखने से ऐसा लगता है कि चेहरे की रंगत सीख हो गई है, तो समझ लीजिए कि उनके गर्भ में जो है बेटा पल रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि इसका साइंटिफिक कोई रीजन नहीं है, ये एक अनुमान मात्र है, तो इससे आपको कोई निराशा नहीं रखनी है, इसके बेस पर आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर जरूर पूछिए। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।